Hello guys, hope you like our videos. If you like our videos, subscribe our channel and press the like and share button. Today we are going to do exercise 8.4, question number 4, part number 3rd and 4th. So question number 4th is, choose the correct option. So MCQ type question hai. Humne isme correct option choose karni hai. Justify your answer means, prove bhi karke dikhana hai, bhi yehi answer correct hai ya nahi. So third part is secant a plus tan a multiplied by 1 minus sin a. Kaun si option hai jo isse match up karegi? Let us start with the answer. As we know, secant is the reverse of cos. So secant a ki jagah likha ja sakta hai 1 upon cos a. And tan a ki jagah likha ja sakta hai sin a upon cos a. Jo second bracket hai, उसको हम एज इट इज ही रख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे, तो वो हो जाएगा कॉस ए इन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए. जो सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए, उसको एज इट इज रख लेते हैं. न्यूमरेटर्स में तो दोनों ब्रैकेट्स ये फॉर्मूला बना रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए. 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए. हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर वैल्यू आ गई cos square a is equals to 1 minus sin square a. यहाँ पे हमारे पास 1 minus sin square a है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos square a divided by cos a. Fine, तो यहाँ पे cutting हो गई and we are left with cos a. हमने देखा जो option number D जो है वो हमारा match up हो रहा है. Part number 4 is 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a equals to what? कौन सी ऑप्शन यहाँ से मैच अप हो रही है? So let us start with the answer. हमारे पास है 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a. As we know, cot is the reverse of tan. Fine. तो यहाँ पे जो denominator है, वहाँ पे हम cot की जगह लिख सकते हैं 1 upon tan square a. Next step में हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया टैन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर ए. फाइन, एंड दिस विल बी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. डिवीजन का साइन हमने मल्टीप्लाई में चेंज करा तो नीचे वाले एलिमेंट्स जो है वो रिवर्स हो गए, सो दिस विल बी टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर ए प्लस 1. न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर था 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर था 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो दोनों कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद टैन स्क्वायर ए. सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारी मैच हो गई. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज.